बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार हम पढ़ रहे हैं, मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, 400, 450, 450, ठीक है 450 मार्क्स आ रहे हैं, 550, 600, 650 आ ही नहीं रहे। सोचते हैं। एक बड़ा पत्थर है, एक हथौड़ा लेके आओ और उस पत्थर पे मारो, क्या होगा? कुछ नहीं। फिर मारो, क्या होगा? कुछ नहीं। ऐसे आप दिन भर करते रहो, अगले दिन फिर करो, फिर अगले दिन फिर करो, क्या लग रहा है आपको कुछ हो रहा है? एक्चुअली हमें दिख नहीं रहा है लेकिन अंदर से वो पोला हो रहा है। ये सक्सेस भी कुछ ऐसी चीज है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना कि आपके 400 450 आए और आप दुखी हो, इसका मतलब आप इन्वॉल्व हो और आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो हो रहा है। एक दिन अचानक से आपके मार्क्स आने लगेंगे, एक दिन अचानक से आपके मार्क्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप चाहते हो और शिद्दत से कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट भी करते हो, और एफर्ट करते हो तो एक दिन सक्सेस मिलने लगेगी। ठीक है, एक दिन वो हथौड़ा ऐसा पड़ेगा पत्थर चूर चूर हो जाएगा, लेकिन एक दिन में रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट बड़े एफर्ट से आते हैं। जो टॉपर होते हैं, होता ना ओसन बोल्ट, 9 सेकेंड्स में जाने कितने हजारों मतलब करोड़ कमा गया, 9.58 सेकेंड। बोले यार 10 सेकेंड दौड़ने में यार इतने करोड़, बोले पूरी जिंदगी लगी है ये 10 सेकेंड दौड़ने के लिए, पूरी जिंदगी लगी है, समझ रहे हो? तो यही आपको भी करना है, ठीक है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर करके और मार्क्स बीनने।